अंबिकापुर शहर के नेशनल हाईवे की सड़कों की हालत बस से बदतर हो गई है। आलम यह है कि दो और चार चक्का वाहनों के साथ ही इन सड़कों पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। वहीं इस बात की जानकारी जैसे ही प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को लगी तो वह सड़कों पर उतरकर एनएच की जर्जर सड़कों की स्थिति का निरीक्षण कर जायजा लिया है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व ही सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज समेत जिला कलेक्टर एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने स्कूटी चलाकर एनएच की सड़कों का निरीक्षण किया था और गड्ढे भरने का निर्देश दिया गया था, जिससे आम लोगों को चलने में सहयोग मिल सके, मगर स्थिति जस की तस बनी हुई थी। वहीं लगातार शिकायत के बाद आज प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव एनएच की खस्ता हाल सड़कों का हाल जानने सड़कों पर उतरे और सड़कों के गड्ढों से अवगत हुए। साथ ही जन सहयोग से भर जा रहे गड्ढों को देखकर स्थिति का बात बताया है। साथ ही टीएस सिंहदेव ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व ही सरगुजा सांसद और प्रशासनिक अधिकारियों ने सड़कों का निरीक्षण कर गड्ढों भरने की निर्देश दिए गए थे, बावजूद इसके भी कोई पहल नहीं हो सकी है। लोगों को चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये नेशनल हाईवे के अधिकारियों की देखरेख में है, खास करके ट्रेन पकड़ने जाने के लिए स्टेशन और मुख्य मार्ग से यात्रा जो गाड़ियों में कर रहे हैं, बहुत शिकायतें आ रही थी। काम भी हुआ, मैंने बात भी की थी बीच में मैंने मीडिया में देखा था कि सांसद जी भी आए थे मोटरसाइकिल पे या स्कूटर पे, कलेक्टर साहब के साथ घूमे भी, लेकिन शिकायतें लगातार आ रही थी तो उसी को देखने के लिए आए थे। और कुछ नागरिकों ने अपनी तरफ से सहयोग किया कि मटेरियल हम दे देते हैं, विभाग अगर नहीं कर पा रहा है, विभाग के पास पैसे की कमी है या कोई और बात है, तो हम मटेरियल उपलब्ध करा देते हैं। तो नागरिकों ने जो मटेरियल दिया वही देखने के लिए आए थे। कभी ये थ्री व्हीलर हैं ऑटो, ये गिर जा रहे हैं, टू व्हीलर हैं उनको चलने में अत्यधिक दिक्कत हो रही है, चार चक्के की गाड़ी है उसको भी परेशानी है। तो नेशनल हाईवे की ऐसी स्थिति नहीं रहनी चाहिए। विभाग को, नेशनल हाईवे को केंद्र सरकार के देखरेख में जो काम होता है राज्य सरकार भी देखती होगी, तात्कालिक राहत लोगों को मिले ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए।